नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 की। सीएमएचओ गंगानगर ने 176 नंबर आदेश के माध्यम से यहां पर पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए। आप देख सकते हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्टिंग ऑर्डर है। टोटल 23 पेजेस की लिस्ट यहाँ पर सीएमएचओ नागौर ने जारी की है। इन्होंने कहा कि गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए थे 25 मई 2021 सायं 6 बजे तक, और 25 मई 2021 सायं 6 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को दिनांक 28 से 31 मई तक स्थानीय आशार्थी स्थानीय काश्य है कि नागौर जिले एवं अन्य जिले के SC ST और EWS MBC अभ्यर्थियों को 15 जून से 16 जून तक दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो POP लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है CMHO नागौर ने। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कंडीशंस रखी है कि अगर पुराने RNC को मान्य किया था, लेकिन 10 जुलाई तक आपको नया RNC प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र OBC, EWS और MBC को अवधि पार को यहाँ पर मान्य किया था, आपको नया प्रस्तुत करना होगा 10 जुलाई तक। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया था, लेकिन 10 जुलाई तक आपको मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु न्यूनतम जो योग्यता नर्स श्रेणी द्वितीय GNM और BSc नर्सिंग प्लस RNC रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रखी थी। उक्त विज्ञप्ति में चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया गया था। कोविड स्वास्थ्य सहायक दिनांक 31 जुलाई तक ही कार्य लिया जाएगा। चयन सूची में सर्वप्रथम स्थानीय जो नागौर जिले के हैं उनको नियोजन में प्राथमिकता दी गई है, और शेष को अन्य जिले को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। कोविड स्वास्थ्य सहायक का जो मानदेय है वो 7,900 रुपए यहाँ पर तय किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो CMHO नागौर हैं, साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर, उप CMHO नागौर ने यहाँ पर अपने हस्ताक्षरों से जो ज्वाइनिंग लेटर है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक को। साथ ही इनको निर्देशित किया गया कि वे शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्म तिथि, 10वीं की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, RNC रजिस्ट्रेशन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन आदि समस्त जो है ज्वाइनिंग के समय आपको प्रोवाइड करवाना है, और दिनांक 28 जून तक ही आपको ज्वाइनिंग करनी है। यानी कि दोस्तों, 4 दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए दिए गए हैं, इसके बाद में ज्वाइनिंग पर कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, 28 जून तक ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर CMHO नागौर ने कोविड स्वास्थ्य सहायक के पदों पर जो है ज्वाइनिंग लिस्ट यहाँ पर POP ऑर्डर है यहाँ पर जारी कर दिया है। ब्लॉक कौन सा लगता है, स्थान कौन सा यहाँ पर अलॉट किया है, सब कुछ यहाँ पर CMHO नागौर ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्थानीय अभ्यर्थियों को जो पोस्टिंग में वरीयता दी गई है, इसके बाद में जो अन्य जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर पोस्टिंग में वरीयता दी गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुचामन सिटी, मकराना, पर्वतसर, इसके अलावा डीडवाना के कई जगह यहाँ पर पोस्टिंग मिली है। डेगाना, नागौर, लाडनू, इसके अलावा लाडनू में भी काफी बच्चों को पोस्टिंग यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 430 जो अभ्यर्थी हैं जो नागौर जिले के हैं उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक यहाँ पर 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको जो एक वर्ष से अधिक अगर आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया तो आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। इसी प्रकार से 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपके दस्तावेज फर्जी नहीं है, इसका यहाँ पर आपको शपथ पत्र देना होगा। और साथ ही ज्वाइनिंग के समय चेकलिस्ट भी आपको लिखनी है, चेकलिस्ट भी आपको इस प्रकार से जो स्क्रीन पे दी हुई है, साथ ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लिस्ट है POP लिस्ट है यहाँ पर CMHO नागौर ने जारी कर दिया। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 430 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।